हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का छेड़खानी का मामला जसपुरा थाना के सामने आया है, जिसमें पीड़िता महिला का आरोप है कि मेरी लड़की शाम के शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के दो व्यक्ति ने घात लगाए बैठे थे और लड़कियां के साथ छेड़खानी करना शुरू किया। जब लड़की ने शोर मचाया तो लड़के ने छोड़ के भाग गए। लड़की ने अपनी माँ से सारी बात बताई। उसकी माँ थाना में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंची तो वहां का थाना अध्यक्ष उनसे साइन करा लिया साधे कागज में और उनको वहां से भगा दिया गया है। जब से पीड़िता महिला ने न्याय के लिए परेशान हुई और न्याय पाने के लिए एक महीना से जसपुरा थाना के चक्कर लगा रही है। के साथ क्या हुआ है? पहले छेड़खानी करते थे तो मेरी मम्मी एक बार जाके इनके घर में और रहना दे आई तो हमको झूठ बना दी कि झूठ बोल रही तेरी बच्ची। तो मेरी मम्मी के सुनना पा कि घर में नहीं है तो मैं रात में अकेली थी, मैं टट्टी होने गई घर अपने। कितने बजे रात में निकली थी? 8 बजे। हमारा अकेला घर है हार में, तो वहाँ बाबू और इंद्राज मुझे पकड़ के ले गए मुंह दबा के, तो मेरे साथ ब्रश का काम किया। कई लोग किया था? 2 लोग, बाबू और इंद्राज। फिर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद मारने की धमकी हमकी दे रहे थे कि किसी से बताओगे तेरे परिवार वालों को तेरे को मार देंगे। तो मैं जाके अपने मम्मी से बता दी, मेरे पापा और मम्मी यहाँ नहीं थी, फिर मम्मी बताई तो मम्मी मुझे सुबह थाना लेके आई। तो थाना में आके ऐसे मिले तो ही कह रहे हैं कि जब मैं उसको चलान काट दूंगा तो सादे कागज में मम्मी से दस्तखत करा के भगा दी। हमको मुकदमा नहीं लिखा जा रहा? नहीं लिखा जा रहा, ऐसे दबका के भगा देती। आज भी खड़ी हूँ थाने में और आज से थाना नहीं आऊँगी, मेरा मुकदमा नहीं लिखेगा। तो वहीं जाके जस बांदा में पेट्रोल डाल के मैं मेरी बच्ची वहीं मिट्टी को तेल डाल के पेट्रोल डाल के वहाँ एस बी साहब के कप्तान के पास मर जाऊँगी जाके, पर लौट के नहीं जसपुरा आऊँगी। सी पार्टी से प्रधान द्वारा नहीं पैसे देते हैं यहाँ। अच्छा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे सयाने बच्चे नहीं, मेरा आदमी मुहरम भरता है खदान में। अच्छा, उसको चोरी लगाता है दरोगा, इल्जाम की 30,000 की चोरी छीन के उसको एप्लीकेशन लिख रहा है। गांव में मेरी बच्ची से कहा है दरोगा कि तेरा पापा पैसे चुरा लिया है और थाने आके, जब मेरा मुकदमा नहीं लिख रहा, मेरे आदमी को झूठ मुकदमा। अगर यहाँ से सुनाई नहीं होगी तो फिर आगे कहाँ कार्रवाई करेंगे? अब कार्रवाई जा रही हूँ बांदा से कार्रवाई होगी तो होगी, नहीं होगी तो लखनऊ जाऊँगी, लखनऊ से नहीं होगी तो बांदा में आके मर जाऊँगी। इनका मामला 19 तारीख को की यह घटना इन्होंने बताई थी जी। और ये 22 तारीख को थाने में गई थी। इन्होंने बताया था कि बाबू मेरी बेटी को मोबाइल दे रहा था, तो उस बात को लेके बाबू के घर ये उलाना देने गई थी तो इनमें उसके बाबू के घर वालों ने गाली गलौज किया था, उसमें बाबू का 151/716 की कार्रवाई हो गई थी। अब 22 तारीख में इन्होंने ये तारीख दी थी कि मेरी लड़की को मोबाइल दे रहा था, मैं उलाना देने गई थी तो मुझे गाली गलौज किया। अब ये 20 दिन बाद दरख्वास्त इस बात की दे रही है, ये है तो उसमें जांच हो रही है, प्रार्थना पत्र की जांच करा रहे हैं हम। ठीक है जी जी। इनको उसी दिन बताना चाहिए था। इन लोगों को उसी दिन 22 तारीख में इन्होंने कुछ और लिख के दिया है, अब 10 तारीख में 20 दिन बाद कुछ और लिख के दे रही है, ये है तो उसमें जांच हो रही है। ठीक है तो सर, इन लोगों का ये भी आरोप है कि एप्लीकेशन नहीं दिया गया, सादे कागज में दस्तखत करा लिया है तो 151 कराया होगा ना, 151 सादे कागज पे काय का दस्तखत कराया है, कुछ दस्तखत नहीं कराया। ठीक है, खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।